আজকে সবারে 02303 হাওড়া নিউ দিল্লি পোকা এসেছে হাওড়া থেকে লেকে পাটনা তক। আর দেখতে কেসে কিনা রাস কেসে কিনা নাম সে রাস কোথায় কি ইয়ে ট্রেন তো 130 কিলোমিটার পার মিনিট পেলে ইয়ার মে সে থা অভি এশিয়ার মে ভি হে লেকিন পাটনা তক বলা যায় তো 1800 কে বাদ 24 মতলব এশিয়ার মে যে পার্ট আতি হে পাটনা তক পৌঁছনে কে লিয়ে ও বহুত হি কম 130 হি মিলতা হে জিতনা মে পাটনা জেসে যাতি রহা হুঁ উসে হতে বল সকতা হুঁ কি ইতনা স্মুথ নেহি হে লেকিন রাত পাটনা কে বাদ মুগলসরাই তক যাওগে তো ওয়া পে अच्छा खासा 130 का एक्शन मिल जाता है कोई भी ट्रेन अगर उसका स्टॉपेज कम हो तो उसका एग्रेशन और स्मूथनेस ज़्यादा अच्छा दिखने को मिलता है। বর্ধমান থেকে সাঁতকাটা পুরো আপনি বহুত বড় রেখ फिर इसका ईल को क्या है ये देखना होगा अभी ये शायद एंड में अटैच किया होगा ये कामरूप खड़ा हुआ है कामरूप का शंटिंग होगा और ये वाला है S4 जिसमें बोर्ड करने वाला हूँ वैसे अगर लोको दिख जाए यार कोई भोंकू वाला होंकी ना लगा दे बढ़िया लोको लगाया 37185 ना रेल पैन जो ग्रुप है ना कोलकाता का आधा तो मतलब इसी लोकल नंबर के नाम पे ही मतलब की रहा है इसके हॉकिंग की वजह से अब तो पूरा रास्ते बढ़िया हॉकिंग लेकिन अपने को विंडो सीट तो नहीं मिला है मेरे हिसाब से एकदम अपर बर्थ वाला जो सीट होता है वो मिला है कभी कभी गेट से देखना होगा लेकिन जो भी मिला है शुरुआत तो बहुत बढ़िया है बाथरूम ठीक ठाक हल्दी साफ सुथरा है लिपा की सबसे ठीक ठाक ही है हावड़ा से डिपार्ट होने के बाद इसका स्टॉपेजेस है दुर्गापुर आसनसोल चित्तरंजन मधुपुर जसीडी झाझा जामुई क्यूल मुकमा बार बख्तियारपुर और फिर पटना
छोड़ते ही एक चेन पुल हुआ था, चेन पुल के बाद दिक्कत थी। टाटा स्टील भी बड़ी पीछे दूसरे को
रीजन समझ में नहीं आया। হাওড়া থেকে কফি খুব আনা শিয়ালদার বর্ধমান আওতা আপনার কফি খুব আনা বর্ধমান ইয়ার্ড ওর উদয় ওয়াগ লাইন দিখ রা হ্যায় বর্ধমান ওয়াগ লাইন হোগা कुछ दो नंबर पे गुस्सा किया कोल फील्ड जब स्कीप मार रहा है पारा से पहले से पूछता है उससे पहले तो समझ जो फिर तक ट्रॉल कर रहा है
दिख रहा है। साठ हजार एक सौ बारह ऑलमोस्ट ऑन टाइम ही आ गए। ये पटना जैसा होगी
रास्ता घुस रहा है। निर्धारित समय से 3 मिनट लेट पहुंचा है बस। जाने ठीक ठाक था, लेकिन एक जो चीज़ बुरा लगा कि इसके पीछे हावड़ा दुरंत था, एक दुरंत ट्रेन जिसको ओवरटेक नहीं देता, वो हर स्टेशन पीछे आ रहा है, आगे उसको खड़ा कर रहा है और इसे फॉलो कर देता है, क्योंकि टाइम टेबल का भी एक इशू है, क्योंकि उसका टाइम पीछे है तो ओवरटेक नहीं दे रहा है। कभी कभी NCR में पहले दे दिया, लेकिन अभी तो कहीं पर नहीं, अभी तो उसकी स्पीड भी बढ़ गया 130, लेकिन फिर भी टाइम टेबल वही के वही रह गया, इसलिए नहीं है। जो भी हो, काम में पहुँच गया, बस 3 मिनट लेट था, 3:55 का टाइम था, 3:58 तो पहुँचा। NCR में तो राम बहुत बढ़िया था, NCR में भी थोड़ा थोड़ा वीडियो उसने लिया है, आइए आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगले कोई ब्लॉग में।